मामले से चर्चा में आए बिट्टू बजरंगी के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। मामला फरीदाबाद का है, जहां दुकान से घर लौट रहे उनके भाई पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। वही आग लगने के बाद पीड़ित ने नाले में कूदकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। घायल अवस्था में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। वही पीड़ित के भाई बिट्टू बजरंगी की माने तो उन्हें पिछले कई दिनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। मेरे अपने कमरे में तो जैसे भाई थोड़ा लेट आता है। ये तो आपका सगा भाई है? मेरा खास भाई है, छोटा भाई। क्या नाम है इनका? महेश। महेश नाम है। क्या हुआ था? तो इसने आवाज मारी गेट पे, गेट खोलो। मैंने इसकी बच्चों से आवाज मारी, मैंने कहा बेटा गेट खोल दो। महेश आ गया तो देखा तो चिल्ला रहा था कि मेरे में किसी ने आग लगा दी। अच्छा, तो सारा फूक रखा है वो तो जला हुआ। मैं क्या बोलूँ, लेकिन इतना बोलूंगा जिसने भी किया है ना छोड़ूंगा नहीं। तो आपको शक है किसी के ऊपर? नहीं, मुझे इस तरह से नहीं, मैं छोटी बात करता, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना पता निकाल लूंगा। अच्छा, पता लो चला जाए। तो ये महेश जी कहाँ पे थे उस वक्त समय जहाँ पे आग लगी? बाबा मंडी है, चाचा चौक पे। बाबा मंडी चाचा चौक पे, ठीक। वहाँ पे किसी ने आग लगा? पूरे में आग, कपड़े समझते समय आग लगा दी, लेकिन छोड़ूंगा नहीं कोई भी हो। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि उन्होंने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही इलाके के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, ये एक महेश नाम के व्यक्ति ने शिकायत की है कि वो बाबा मंडी में अपनी सब्जी की दुकान चलाता है और उसके साथ एक आग लगाने की घटना आई है। 5-6 लोग वैगनार कार में आए और जिसने एक ने उन्होंने मारपीट की और एक ने कट्टी डालकर तेल डालकर उस पर और एक दूसरे बंदे ने माचिस लगा दी, आग लगा दी। और वो अपनी उसके बाद जब वो चिल्लाया तो वो लोग भाग गए और वो अपनी आग बुझाने के लिए नाले में कूद कर अपनी आग बुझाई। उसके बाद फिर ये अपने हॉस्पिटल पहुँचे हैं और पुलिस को सूचना मिली। मौके पर हमारे SHO चौक इंचार्ज के अलावा जो ACP और DCP साहब हैं वो मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इसमें शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें CCTV फुटेज चेक किए जा रहे हैं और जो जिन लोगों के इनमें नाम दिए, एक नाम दिया गया है, उसके अलावा 5-6 लोग हो रहे हैं, इनकी CCTV फुटेज और जो घटना से मैच करते हुए इनकी जो भी कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। इसमें जल्द आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा, तस्दीक की जाएगी। ये बिट्टू बजरंगी का भाई है जो महेश है और ये सब्जी की दुकान है इसकी, और जिसपे जिन्होंने आग लगाने की बात आई है उसकी भी बाबा मंडी में जूस की दुकान थी, तो इसमें देखा जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है और पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी TV के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।